हमारे डिजिटल पेज में मैं हूं आपके साथ निहार गंभीरेश्वरी। यथ नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तच्च देवता। हम लोग बचपन से सिर्फ इसको समझ नहीं रहे, हमारी संस्कृति में इसको हमने चरितार्थ किया और फिर उसके शुभ परिणाम देख सकते हैं। जहां नारी का सम्मान है वहां देवताओं का वास है। निश्चित तौर पर हमारी जो आधी आबादी है उसने चाहे समान का रख रखाव हो या आसमान उड़ान, हर क्षेत्र में जीत हासिल की है। विषम से विषम परिस्थिति में वो आगे बढ़ी है, उसने रोल मॉडल बनने का फैसला किया, उसने एक जीत की इबारत लिखी। उसकी कदम ताल हो, उसका करिश्मा हो या उसकी कंपन हो, उसकी कला हो, हर कोई को उसने अपना बिग फैन इससे बनाया। चाहे वो एक गृहिणी हो या फिर एक कॉर्पोरेट जॉइंट, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही। और अगर हम इंडियन कल्चर और भारत की बात करें तो लगभग ब्यूटी विद ब्रेन्स का जलवा, चाहे घर में आपकी बेटी हो, बहू हो, बहन हो, आपकी दोस्त हो, वो हर क्षेत्र में दिखा रही है। ऐसी ही सात शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनका परिचय आप तक करा देते हैं। ज्योति अरोड़ा जी हैं, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल स्पेस में। नमस्कार, धन्यवाद निहारिका। ओके, ज्योति अरोड़ा एस्ट्रोलॉजर हैं, फेंगशुई एक्सपर्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु में आता है, होटेलियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ब्लॉगर हैं, इंजीनियर हैं, एनजीओ ये चला रही हैं जिसमें विमेन एम्पावरमेंट पर ये काम कर रही हैं, कॉर्पोरेट टाइकून ये रह चुकी हैं। पहला सवाल इसीलिए क्योंकि जो क्राउन आप देख रहे हैं इन्हें मिसेज इंडिया, ग्लिटरिंग गॉडेस और क्वीन ऑफ सोशल मीडिया के खिताब से नवाजा गया है, तो इतना सब कुछ आप कर रही हैं, पहला सवाल ये, आप च्यवनप्राश कौन सा खाती हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जो हम भारतीय महिलाएं हैं वो ऑलरेडी एट आम दुर्गा का रूप होती हैं। हम एक समय में बहुत सारे काम कर रही होती हैं। एक मामूली एक गृहिणी जो है, मामूली गृहिणी नहीं होती, वो घर भी संभाल रही होती है, बच्चों को भी देख रही होती है, अपने हस्बैंड को भी देख रही होती है, सास ससुर को भी देख रही होती है और साथ में बाहर के रिश्तेदारियों को भी देख रही होती है और काम भी कर रही होती है। ग्रामीण महिला खेती बाड़ी कर रही होती है तो शहरी महिला आपकी तरह एक करियर वुमन भी बन जाती है। तो हम जैसे काबिल तो हर औरत होती है, बस यह है कि एफर्ट करने की बात है और नसीब साथ में चलता है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एफर्ट विषम परिस्थितियों में, अगर मैं आप ही के उससे सवाल से दूसरा सवाल मेरा रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण भारत जो तेजी से उभर रहा है, जो स्मार्टफोन कल्चर की तरफ भी जा रहा है और जहां से बहुत अच्छी अच्छी कहानी आ रही, सक्सेस स्टोरी आ रही है, तो वहां की जो महिलाएं हैं जहां पर थोड़ा बहुत भी अभी भी बाल विवाह की प्रथा है, जहां पर एजुकेशन का अभाव है, जहां आज तक शायद रोशनी नहीं पहुंची, इंटरनेट की तो बात ही आप दूर कर दीजिए, बिजली पहुंची ही, वहां की महिलाएं क्या करें जिनकी आवाज उठती है और उन्हें दबा दिया जाता। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें जो एम्पावर्ड वुमेन है, वो एम्पावर्ड वुमेन जो ऑलरेडी अपनी आवाज को सशक्त करके आगे बढ़ चुकी हैं, हम ही एम्पावर्ड वुमेन को उन औरतों की आवाज बनना होगा, उन औरतों को प्रोत्साहित करना होगा कि वो उस जद्दोजहद में अपनी आवाज को उठा सकें और अपनी आइडेंटिटी को, ट्रू आइडेंटिटी को पहचान सकें। उनको पहली बात तो ये कि शायद वो सामाजिक दबाव में आकर अपनी इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती हैं, जो मैंने देखा ग्रामीण महिलाएं होगी या जो बहुत ही जैसे कम आय वर्ग के लोगों में मैंने देखा महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा वो उठ नहीं पाती हैं क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग ऐसे किया गया है कि नहीं तुम्हें ऐसे ही रहना है। तो जो बहुत सशक्त रूप से महिलाएं सामने आई हैं उन्हीं को उनकी आवाज बनकर उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जिस दिन हमने ये करना शुरू कर दिया उस दिन वो महिलाएं आगे आएंगी और वो भी प्रूव कर पाएंगी क्योंकि हमारी इंडियन वुमेन सबसे पावरफुल वुमेन है। मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी इंडिया में वुमेन को बहुत ज्यादा पावर्स मिली भी हुई हैं देखा जाए तो, शायद इसीलिए हम आदि शक्ति के रूप की पूजा करते हैं, जैसे आप अष्ट दुर्गा की बात कर रहे हैं उनकी पूजा करते हैं और उनसे जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका जो रूप है कहीं ना कहीं हमें लाइफ गोल्स देता है, मोटिवेशन देता है कि आप इस परिस्थिति में भी इतना बेहतर कर सकते हैं और उभर कर एक ब्यूटीफुल ऑरा के साथ आ सकते हैं। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो क्या ये रोल एम्पावर्ड वुमेन का है, विमेन को एम्पावर करना, या विमेन अपना एम्पावरमेंट खुद करने में पूरी तरीके से सक्षम?
एक वुमेन डेफिनेटली पूरी तरह से सक्षम है अपने आप को एम्पावर करने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि सामाजिक दबाव या सामाजिक, मैंने जैसे बताया, अपब्रिंगिंग की वजह से वो अपनी आवाज़ नहीं निकाल पाती। तो ऐसे में उन सशक्त महिलाओं का एक एक दायित्व बनता है कि वो उन महिलाओं को प्रेरित करें। अगर जैसे नहीं, प्यार आपने, ज्यादा सशक्त वो तभी है जब वो किचन में अच्छी रोटी बना रही है, खाना अच्छा बना, हाँ तभी नहीं, वो वो सशक्त है। नहीं नहीं सिर्फ वही नहीं है, उनकी और भी क्वालिटीज हैं जिससे वो आगे बढ़ सकती हैं। जैसे मैंने देखा कि गांव में रहने वाली बहुत सारी मल्लिका, जैसे गुलाबी गैंग का आपने नाम सुना, कि मैंने देखा वो महिलाएं इतनी पावरफुल है, मतलब समहाउ मैं जब उनको देखती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये एक गाँव में रहने वाली साधारण महिलाएं इतनी पावरफुल होगी कि वहां के आदमी लोग थर थर कांपने लगे उन लोगों से। तो इस तरह से उन लोगों ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। बहुत सारी हमारे गाँव में रहने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और एक लाइव एग्जाम्पल बनी है, रोल मॉडल बनी है। तो मुझे लगता है कि काबिल तो सभी हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी को प्रेरित करने में कभी भी अच्छा होता है कि सामने वाला उसे प्रेरित करे, तो एक मनोबल बढ़ता है किसी का और आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप ले पाता है बंदा। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम जिसे ये कहा यस जाता है। एक सवाल, क्योंकि हमने महिलाओं पर बात की, विमेन्स डे भी है, मेरे हिसाब से विमेन्स डे तो हर दिन ही बनाना चाहिए। अगर आपके जीवन में जो भी महिला खुश है तो वो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकती है, और आप कितने सफल हैं ये आपके साथ जो भी महिला जुड़ी हुई है उसके चेहरे की मुस्कान भी तय करती है। मैं आप सभी यूथ की, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, और जमाना थोड़ा सा एप्स का है, ग्लैमर का है, सोशल मीडिया का है, चीजों को वायरल करने का है, इरिस्पेक्टिव की कंटेंट क्या है या क्या नहीं। मेरा सवाल है ब्रेन ड्रेन से जुड़ा हुआ। लोग एनआरआई बनने के लिए और अपने स्टेटस पे एक फॉरेन का स्टैंप लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको भारत में उस तरीके की कोई ऐसी संभावना दिख रही है जो एक रोल मॉडल के तौर पर यहीं पर रहकर लोग आए? लोग जवानी तो बाहर दूसरे देश को समग्र कर देते हैं, लेकिन अपने देश में फिर एक होम स्टेंट बुढ़ापे के समय में बुढ़ापा काटने आते हैं, ये कहां तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैंने 13 साल तक कॉर्पोरेट्स में जॉब की है। मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बाहर जाकर अपना करियर बनाऊँ। बहुत आसानी से मैं चाहकर करियर बना सकती थी। मेरे साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे, आप सही कहती हैं कि ब्रेन ड्रेन डेफिनेटली है। 90% लोग बाहर जाके सेटल हो गए हैं, आप कोई यूएस में, कोई अमेरिका में, सॉरी कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं कोई कहीं, और आराम से वहां काम करें, लेकिन उनका दिलो दिमाग हिंदुस्तान में रहता है। ठीक है, टैक्स आप वहां का भरते हो लेकिन हस्तक्षेप आप हिंदुस्तान में भी करना चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि, और एक बात है कि कहीं भी रहकर भी ना उनका दिल हिंदुस्तान में ही रहता है, ये बात मैं आपको अभी भी बता देती बिल्कुल हूँ। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, और ये बात वो लोग भी एडमिट करते हैं कि जितना सुख और जितनी लिबर्टीज हिंदुस्तान में रहकर लोगों को मिली है, मतलब यहाँ पर है कि हम हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारी आवाज है, हम अपनी आवाज को रेस कर सकते हैं, हम थोड़ी सी कमाई पर भी बहुत अच्छा रहन सहन मेंटेन कर सकते हैं। बाहर तो मैंने देखा है कि लोग इतने अच्छा कमा रहे होते हैं तब भी उनको छोटे छोटे काम करने के लिए हेल्पिंग हैंड्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर तो लोग काम करने में भी संकोच नहीं करते, किसी भी लेवल पे काम करने को, मेहनत करने को से पीछे नहीं हटते हिंदुस्तान में। तो आपको हेल्पिंग हैंड इजीली मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहकर ही अपने करियर बनाएं तो डेफिनेटली ये एक हिंदुस्तान को मजबूत बनाएगा और हमारे देश के हित में होगा, और जो लोग यहाँ रह जाएंगे वो भी यहाँ पर अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना होगा जो एक बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो, पॉजिटिविटी के साथ साथ बहुत ही अच्छी, जैसे टॉलरेंट देश होना चाहिए जहाँ पर हम हर एक का सम्मान करें और हर एक की जो भावनाओं को हम उतना ही महत्व दें जितना हम अपनी भावना को देते। बिल्कुल, सहिष्णुता के मामले में भारत का कोई सानी नहीं है, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि विविधता है यहाँ पर, संभावना है, चाहे मैं अर्बन एरिया की बात करूँ या रूरल एरिया की बात करूँ, पेड़ से लेकर पेड़ तक, आचार से लेकर आहार तक, और खेत से लेकर खिलौने तक, या कौन सी ऐसी फील्ड है जिस पर आप प्रोडक्ट बनाकर या जिसको मार्केट करके या जिसपे खुद ओनर बनकर आप उसको इंटरनेशनली ब्रांड, इंडिया मेड इन इंडिया ब्रांड को फेमस नहीं कर सकते। चलिए, मेड इन इंडिया ब्रांड की हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप एक मैरिड लेडी हैं, दो बच्चों की मम्मी है, हालांकि आप कौन सी क्रीम यूज करती हैं वो भी मुझे पूछना है, लेकिन इस ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इस
एज पे इस फेज में जनरली महिलाओं को थायराइड से लेकर रिंकल्स से लेकर कैल्शियम की कमी की समस्या बढ़ रही है. ऐसे में आप एक फिट एंड फाइन रोल मॉडल के तौर पर उभर रहे हैं. क्या हर इंडियन विमेन जो घर पर है वो आपकी तरह या इस तरह की शख्सियत की तरह इस उम्र में बन सकती है, या फिर ये सिर्फ एक ग्लैमर का पार्ट है जो आप दिखा रही है, असल जिंदगी दूसरी होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ठीक है, सबसे पहले सबसे ज्यादा आपको खूबसूरत रखने की जरूरत है अपनी अपने मन को. ठीक है, द डे यू स्टार्ट क्लेंजिंग योर सोल यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. आपको सबसे पहले अपनी इंटरनल क्लेंजिंग की जरूरत है. उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है. द डे यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आप देखिएगा कि आपके अंदर कंपैशन आना शुरू हो जाएगा. कंपैशनेट एनर्जी जब आपके जीवन में प्रवेश करती है तो वो ग्लो आपके चेहरे पे दिखता है. देन यू स्टार्ट लुकिंग यंग. ये तो डेफिनेटली है, स्पिरिचुअल लोगों के चेहरे पर एक तेज होता है, सबसे पहली बात ये है. तो एक तो ये है. दूसरा, आपको अपनी काया की भी केयर करनी चाहिए. आपकी जो शरीर भगवान ने दिया है ये एक गिफ्ट है, ठीक है, और आपको उसकी केयर डेफिनेटली करनी चाहिए. बालों की केयर करनी चाहिए, अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, जिसमें हम नेचुरल चीजों का जितना इस्तेमाल करें वो सबसे अच्छा होगा. जैसे कि मैं टोटली अगेंस्ट हूँ जो आज के टाइम पर लोग अपने यू नो दे गो अंडर नाइफ एंड दे गो फॉर बोटॉक्स एंड ऑल, ये सब चीजों से दूर रहकर आपकी जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस के चलते हुए आप अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकती हैं. जैसे कि लोग सफेद बाल को भी आज की डेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डार्क अंडर आर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक महिला की जो नो फिल्टर लुक है, हैशटैग नो फिल्टर, क्योंकि आप सोशल मीडिया की जो क्वीन है, ग्लिटरिंग गॉडेस क्वीन ऑफ सोशल मीडिया का टाइटल भी आपको मिला है, तो विमेन अपने आप को नो फिल्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर रही है और हमारा समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है. धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अपनी रूट्स और अपनी जो काया है उसको, हमें गोरा लगना है या हमें ऐसा लगना है, नहीं, हम नेचुरल जैसे हैं वो बेस्ट है. अगर नेचुरल चीजों की अगर बात करें तो मेरा वही सवाल लगना है कि हर कोई मिसेज इंडिया सिर्फ उसके लिए आपकी तरह एक प्लेटफॉर्म और एक कॉन्टेस्ट में या इतने खूबसूरत कपड़े या ज्वेलरी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ब्यूटी विद ब्रेन अगर हर घर में है तो उनको आप टिप्स क्या देंगे, वो घर में ही मिसेज इंडिया कैसे बन जाए? मैं बात कर रही हूँ ब्यूटी रूटीन की, जो आपकी किचन, जिस महिलाओं को कहा जाता है कि भाई तुम किचन तक सीमित हो, खाना बना, उसी किचन से वो कैसे निकल कर आ सकती है. आप डेली ब्यूटी रूटीन की बात कर रही हैं तो ठीक है, मैं आपको आपसे जरूर शेयर करूंगी इस प्लेटफॉर्म पर. थोड़ा ब्यूटी सीक्रेट्स है लेकिन ठीक है. इट स्टार्ट्स विद द डे वेयर सबसे पहला एक, जैसे सबसे पहले आपको एक पूरा ग्लास भर के सबसे पहले उठते ही आपको पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा पाचन क्रिया अच्छे से वर्क करे और आपका जो है क्लेंजिंग, जैसे इंटरनल क्लेंजिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी का इनटेक सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. फिर उसके बाद अपने फेस पे, मेरा तो ये होता है कि मैं रोज मिस्ट काफी यूज करती हूँ. रोज मिस्ट को मैं अपने फेस पे यूज करती हूँ, जो कि मुझे काफी अच्छी भी लगती है और बहुत हाइड्रेशन उससे मिलता है. उसके अलावा जो भाषा में, देसी भाषा में कहें कि गुलाब जल, ये हर घर में मिल जाती है जैसे. और दूसरा जो आपका जो खाना है, खाना मैं जैसे बोलती हूँ, वो खाना ही आपकी स्किन का खाना बन सकता है. जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जैसे कि अगर मुझे बीट रूट मिली, बीट रूट आप सैलेड में यूज करते हैं तो बीट रूट को ही आपने थोड़ा सा अपने यू नो चीक्स पे लगा लिया, लिप्स पे लगा लिया, तो उससे आपके फेस पे ग्लो आ जाता है. या फिर आप पपीता आप थोड़ा सा ग्रेट करके अपने फेस पे अप्लाई करके थोड़ा सा रब करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो आपकी जो टैनिंग है वो निकल जाती है, तो आपकी डी टैन हो गया उससे. मतलब जितना हो सके केमिकल्स से दूर रहिए, जितना आप केमिकल्स के पास देखिए. और मैं एक चीज और है जो मैंने अपने लिए प्रैक्टिस की है कि मैं नो फेशियल, आई एम टोटली अगेंस्ट फेशियल, ये भी है. मैं आई डोंट गो फॉर फेशियल बिकॉज फेशियल करने से स्किन लूज होती है, तो आपको फेशियल मसाज जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए. बस अपने जो फेशियल योगा है वो जरूर करना चाहिए. फेशियल योगा डेफिनेटली मुझे हेल्प करता है. मैं योगा काफी मैंने अपने जीवन में पिछले कुछ महीनों से ही उसको अपने जीवन में अपनाया है, और ताइची को, उससे मुझे काफी फायदा हुआ है. ये दो चीजें हैं जिन्होंने मेरी एनर्जी को काफी बेटर किया है और उसका मुझे प्रभाव अपनी स्किन पर भी नजर आया है और पूरे सिस्टम पर. और मैं थोड़ा सा मल्टी विटामिन का इंटेक भी करती हूँ, मल्टी विटामिन भी मैं लेती हूँ. ऑर्गेनिकली अगर हम इंडियन रूट्स की अगर हम
किचन में मौजूद सामानों की बात करें तो ब्यूटी जो हैक्स है और सीक्रेट्स वहीं पर है। जिस तरीके से आपने कहा कि फेशियल योगा ट्रेंड है, फेशियल योगा सब कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि ये ऋषि मुनियों के समय में से चला आ रहा है। अगला सवाल यही है कि महिलाओं को आज की डेट में मिडिल एज में या मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के आने के बाद बहुत ज्यादा समस्या होती है, जैसे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम, आपकी बैक इश्यूज, बहुत ज्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझती है, कुछ का प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं रखा जाता है, लगभग 90% हिंदुस्तान की स्टोरी है। कुछ महिलाएं फिजिकली, मॉरली, मेंटली, फिनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं है और वायलेंस, किसी किसी तरीके के वायलेंस का शिकार है, तो वो अपनी रानी, अपनी मिसेस इंडिया, अपनी ब्यूटी क्वीन खुद कैसे बन सकती है, इतने गलत माहौल का वो अपने आप को बचाकर कैसे हेल्थ के, हेल्थ वाइज की मैं बात करूं तो एक खुशी खुशहाल काया, एक स्वस्थ जीवन कैसे पा सकती है, क्या वो ऐसा देसी ले सकती है जिससे वो डिस्ट्रेस नहीं हो जाए। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि योगा एक ऐसी क्रिया है जो कि योगासन वगैरह, जो अच्छे अच्छे योगासन वो अपने शरीर के हिसाब से एक अच्छे ट्रेनर से, गुरु से, योग गुरु से वो समझ सकते हैं कि उनकी बॉडी के हिसाब से उन्हें क्या सूट करेगा। क्योंकि कई आसन होते हैं जो, जैसे किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, नेक का प्रॉब्लम है, तो वो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे आसन है जो हर महिला कर सकती है। तो इस सबसे पहले तो योगा, दूसरी बात ये कि अपना ध्यान, अपने खान पीन का ध्यान आपको खुद रखना होगा। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप दूसरे का ध्यान नहीं रख पाएंगे। ये सबसे पहले आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए। वो जैसे आप कहते हैं ना, जब आप एयर ट्रैवल करते हैं तो आपको बताया जाता है कि हवा कम दबाव में ये मास्क नीचे उतर जाएंगे और आपको सबसे पहले अपना मास्क डेफिनेटली। तो अगर घर की महिला अपने अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी तभी वो किसी और का स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगी। तो आप अपने आप को पहले एक्टिव कीजिए और सबसे पहले ये एक थ्योरी अगर माइंड में बैठ जाती है तो आप, मतलब फिर आप सही रास्ते पे चल पड़ते हैं, फिर आप अपने आप को भी ठीक रखते हैं और घर वालों का भी ध्यान रख पाते हैं। क्योंकि She has been giving, सिर्फ देने का उन्होंने काम किया। It's time कि हम receiver भी बने और receive करने के लिए हम दूसरों पर dependent ना रहे। जाते जाते कोई motivational quote या ऐसा thought जो आप हमारी जो viewers है, जो एक college goer है और एक बुजुर्ग महिला भी है जो आपको देख रही है, उनको देना चाहती है, जो motto of life होना चाहिए कि कैसी भी situation हो, come what may, I will succeed anyhow। देखिए, मैं सबसे पहले जो मेरा एक मानना है, हमें हम सबसे पावरफुल क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स हैं। क्योंकि महिलाएं जो हैं, एक औरत वो संसार की रचना कर सकती है, वो एक मतलब एक जन्म देने की जो ईश्वर ने शक्ति दी है वो सिर्फ महिलाओं को दी है। तो जो यूनिवर्स बढ़ेगा नहीं, ये दुनिया बढ़ेगी नहीं अगर महिला नहीं होगी। और इसीलिए हमारे देश में खास करके महिलाओं का बहुत सम्मान भी किया जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कहीं पर दुनिया, हिंदुस्तान के बाहर भी कई जगहें मिलेगी जहां सम्मान नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान में अगर बड़े रूप से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सम्मान हिंदुस्तान में महिलाओं का किया जाता है, जहां देवी के रूप में पूजा भी जाता है महिलाओं को। तो सबसे पहले तो ये हमें जानने की आवश्यकता है कि हम इस देश से आते हैं जहां पर नारी को देवी समान माना जाता है और हर नारी एक देवी का स्वरूप ही होती है। मैं माँ तारा की पूजा करती हूँ तो मैं बोलूंगी हम सब तारा के स्मॉल स्मॉल मर्कुरी बॉल्स हैं, जो एक बार मिलकर फिर एक बड़े तारा में जुड़ जाएंगे और मतलब हम सब माँ तारा ही है सब लोग। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानने की जरूरत है। द डे वी रियलाइज आर ओन पावर वी कैन एम्पावर अदर्स ऑल्सो। तो सबसे पहले अपनी पावर्स को पहचानने की जरूरत है। और मैं सबसे यंग लड़कियों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी कि अभी बहुत ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जहां पर उनको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है या उनको किडनैपिंग हो जा रहा है, बहुत रेप होता है, इस तरह के केसेस होते हैं जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं खुद एक एक वुमेन हूँ और मेरी दो डॉटर्स हैं और बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, आप भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जिन्हें मैं जानती हूँ जो बहुत पावरफुल हैं। ऐसी महिलाएं, मैं यही चाहूंगी आप जैसी महिलाओं के लिए भी कि आप सब लोगों को और यंग लड़कियों को, खास करके जो स्कूल कॉलेज वाली लड़कियां, उनके लिए खास करके मैं कहूंगी, उन लोगों को, हम लोगों को जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस कर सके।
सेल्फ डिफेंस के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उसके लिए मैं एज मिसेस इंडिया, क्लासिक मिसेस इंडिया, ये कदम बढ़ाना चाहूंगी, और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहें मैं उनको इसमें हेल्प जरूर करूंगी। हमें इस तरह से उनको ट्रेन करना चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस कर पाए, तो ऐसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो या कोई भी ऐसी ट्रेनिंग हो जिससे कि वो किसी भी भीषण परिस्थिति में भी उसका सामना कर सके और किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। बिल्कुल, आत्मसम्मान के लिए आत्मरक्षा बहुत जरूरी है, और वो कहीं से भी शुरू हो जाती है। चाहे गांव में एक लठबाजी करना एक महिला सीख ले, वो भी बहुत क्लासिक लगेगी, और शहर में तरीके से अगर वो जूडो कराटे खेल ले या एक पेपर स्प्रे से भी उसको पता है कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है और कौन से एक्ट से पुलिस को बुलाना है या किस तरीके से अलर्ट रहना, तो वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड रहेगा। धन्यवाद ज्योति अरोड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस टाइटल के लिए, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है क्राउन, और निश्चित तौर पर मैं बिलीव करूंगी ऐसा क्राउन, ऐसा टियारा, ऐसा हेलो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो महिला व्यूअर्स हैं या हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं जो देख रहे हैं, जो वाकई वुमेन एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट में बिलीव करते हैं, ऐसा एक एब्स्ट्रैक्ट टियारा वो अपनी जिंदगी में जो भी महिला है, जो बच्ची है, उसके सिर पर हमेशा लगाए, चाहे वो प्रिंसेस और गॉडेसेस के रूप में ही इंडियन विमेन को देखा जाए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको महिला दिवस की भी शुभकामनाएं, जो आपने अचीव किया उसकी भी बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि विमेन्स डे सिर्फ एक दिन का खेलना, एक दिन का सेलिब्रेशन ना रहकर एक दिन का सोशल मीडिया ट्रेंड ना रहकर हमेशा ही एक विमेन डे, क्योंकि नारी खुश घर वो खुश, तो आपका घर खुश, आपका दफ्तर खुश, आपकी ड्रेस भी खुश। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच।